तिहार जेल में बंद निर्भया गैंगरेप और मर्डर के चारों दोषियों से प्रशासन ने उनकी आखिरी इच्छा पूछी थी। उनसे पूछी थी कि वो 1 फरवरी के तय दिन उनकी फांसी से पहले वो क्या चाहते हैं, किसको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो पैसा जो उन्होंने जेल में कमाया है वो किसको देना चाहते हैं, या फिर वो अंतिम मुलाकात किससे करना चाहते हैं, या फिर कोई किताब या किसी धर्म गुरु को बुलाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या कोई और इच्छा। लेकिन चारों में से भी किसी दोषी ने अभी तक अपनी आखिरी इच्छा जेल प्रशासन से साझा नहीं की है। दरअसल चारों दोषियों में से 3 दोषियों की अभी दया याचिका बाकी है, इसलिए दोषी मानते हैं कि अभी उनके पास एक बार फिर से समय आएगा जब वो राष्ट्रपति के सामने दया याचिका पेश करेंगे और उसके बाद फिर उन्हें समय मिल जाएगा। गौरतलब है कि सिर्फ मुकेश के ही कानूनी उपचार अभी तक पूरे हुए हैं, बाकी पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा के पास अभी दया याचिका का उपचार बाकी है और इसीलिए इन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जेल प्रशासन को नहीं बताई है। इसके साथ ही जेल प्रशासन ने चारों के परिवार वालों को भी उनकी डेथ वारंट की तारीख और दूसरी तमाम जानकारियां दे दी हैं। साथ ही उनसे बता भी दिया है कि वो चाहें तो दोषियों के साथ मिल भी सकते हैं, लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।